नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार पवन सिंह की मुलाकात फिल्म फेयर अवार्ड में हुई थी, लेकिन उससे पहले एक राइटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बनी थी और वो राइटर कोई और नहीं बल्कि खेसारी लाल यादव को बड़े बड़े गाने देने वाले पवन पांडे की। जी हाँ, बात करें तो पवन पांडे और पवन सिंह की जोड़ी को लेकर लगातार बातें हो रही थी और पवन सिंह के लिए पवन पांडे जो हैं वो गाना लिखने वाले हैं, जो कि आदिशक्ति फिल्म पर माना यह जा रहा है कि सैड सॉन्ग के तौर पर आ सकता है, जिसके बाद लगातार कंट्रोवर्सी, इंटरव्यूअर और तमाम लोग जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं कि भाई खेसारी लाल यादव को छोड़कर पवन पांडे जो हैं वो पवन सिंह के साथ जा सकते हैं, और पवन सिंह ने भी ऐसा संकेत दिया था और पवन पांडे ने भी इशारों इशारों में इंटरव्यू के दौरान बताया था कि हाँ, उनके साथ बड़ा गाना आ सकता है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि खेसारी लाल यादव जी के लिए भी गाना हम लिखेंगे, हम राइटर हैं, सभी के लिए गाना लिखेंगे, लेकिन फैंस तो भाई फैंस होते हैं, फैंस तो नहीं चाहते हैं कि कोई खेसारी के साथ जुड़ा हो तो कोई और के साथ काम करे। हालांकि उसके बाद पॉजिटिव इमेज आई, खेसारी पवन मिल गए, लेकिन इस कड़ी में खेसारी लाल यादव और पवन पांडे की भी खूबसूरत तस्वीर आ गई है, जो शायद खेसारी फैंस में एक खुश खबरी दे देगी। जी हाँ, बात करें तो आपको पता होगा कि जो 18 लाख का जो चेक बाउंस मामला हुआ था उसको लेकर खेसारी लाल यादव छपरा पहुंचे हुए थे और उसी क्रम में पवन पांडे और खेसारी लाल यादव की मुलाकात हुई और चेहरे पर मुस्कुराहट दिखा रही है कि सच में ये जोड़ी थी, रहेगी और ऐसे ही बनी रहे। और इस तस्वीर को साझा कर विकास साहब, जो कि खेसारी यादव के ऑफिशियली पोस्ट डालते हैं, वो लिखते हैं कि आदि तूफान कभी अलग नहीं हुए थे, बस शोर शांत था, भरत मिलाप हो गया है, दूर दूर तक आज पूरा दिन कोई नहीं दिखे, दिल्ली से पटना पवन खेसारी मिलाप पूरा दिन चलता रहा, ये जुबली जोड़ी को हिलाने वाला कोई नहीं था और ना ही होगा। जीवन में सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, सच्चा दिल वालों को कोई अलग नहीं कर सकता है, लव यू भैया। और इस तरीके की तस्वीर वायरल हो रही है। बाकी खेसारी यादव और पवन पांडे की जोड़ी आपको कैसे लगती है और ये तस्वीरें क्या कुछ कहती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।